कि आई जइयो बाबा भीम, अरे आई जइयो बाबा भीम, जोरदार तालियां बजाती हुई बोलेंगी मेरे साथ में। मैं अपने लिए नहीं, अरे कभी को लोग अवतार लेकर आते थे, लेकिन बाबा साहब अवतार लेके ना वो, लेकिन एक बार जन्म लेके किसी मैया के कोख से आ जाओ। आज आपको आपकी जरूरत है मेरे साहब, आज अपने अपने स्वार्थ के लिए हर कोई लगा है, किसी का भला नहीं सोच रहा। संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, लोग खतरे में है। आपने चार चार बच्चे खो करके जो दिलाया, वो आज लोग शान शौकत में, मान सम्मान मनोरंजन में पढ़कर वो सब भोले हुए सब खोए दे रहे हैं। कहना है जोरदार ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए बहन, हाँ ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए, तालियां बजाते हुए। हाँ आई जाइए घटनाएं हो रही भैया। मणिपुर में दो बेटियों को 18 20 21 साल की बेटियों का हजार हजार लोगों ने बलात्कार किया, नंगे निर्वस्त्र घुमाया है, ऐसी शासन सत्ता है। वो नहीं दिखता, सब कुछ दिखता है लोगों को, तो कहना है साहब मेरा देश खतरे में, माताओं बहनों का सम्मान खतरे में है। मां चोरी हो रही है, बच्चों को बिना पढ़ाए पास किया जा रहा है, और पढ़ाई नहीं भी हो रही तब भी फीस ली जा रही है, और स्कूलों में बहुत ही व्यवस्था खराब धीरे धीरे होती जा रही है। तो कहना है की जरूरत है आज मेरे देश को। आज हर कोई अपना घर मकान बंगला गाड़ी अपना पुत्र अपनी पत्नी देख रहे हैं, पड़ोसी भूखे मर रहा है, लोग कहते मर जाने तो दीन दुखी गरीब है। किसी को आज किसी को भोजन की थाली देने के बजाय, भोजन खिलाने के बजाय लोग थाली खींचने पर तुले हुए हैं। तो कहना है साहब जाति था कि मेरे देश में जा
जात पात खत्म हो जाए, समानता हो, एकता हो, एक साथ उठे बैठे खाए पिए। लेकिन साहब आज कभी कभी जाते हैं तो कहीं कहीं डिस्पोजल गिलास साथ में मिलता है, चार लोग जाते तीन अगर स्टील तो एक डिस्पोजल मिलता है, तो दुख होता है। कहना है देखा जाए तो भारतीय संविधान खतरे में है, संविधान को बदलने की बात की जा रही है। कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं है कि हमारे देश में समानता हो। लोग आज भी चाहते हैं कि ऊंच नीच का भेद हो, कोई नीचा शूद्र हो तो कोई उच्च वर्ण से हो। तो ऐसा हमारा जो भारत देश है, जो संविधान है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें भारत धर्म निरपेक्ष है, इसमें कोई भी किसी धर्म आस्था को स्वीकार कर सकता है। लेकिन साहब आज लोग अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं, देश का संविधान खतरे में है साहब, बचा ये कहना है। क्योंकि हमारे भारत के करोड़ों लोग बेकार हो गए, पर आप अकेले समाज के लिए लड़े थे साहब, बाबा साहब अकेले समाज के लिए लड़े, आज करोड़ों लोग मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहना है धन्य है ऐसा समाज, धन्य है साहब। बाबा साहेब के आए हुए समाज की दया हो, करुणा हो, मंगल हो।